नमस्कार जी। आदरणीय सभी पत्रकार भाइयों, आज आपके सामने राजेंद्र सोरखी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, आपके सामने कुछ बात रखेंगे। सारे पत्रकार बंधुओं को, बहनों को नमस्कार। आज दरअसल जो मीटिंग रखी गई है, ये कोई स्वाभाविक रूप से जो है ना, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का इसका जो है ना पर्पज नहीं था। मैं नया जो है आम आदमी प्रवक्ता पैनल में जो है ना सदस्य के रूप में मेरे को शामिल किया गया है, तो एक आप लोगों से एक इंट्रोडक्शन करने का एक जो है ना विचार था कि वे सारे पत्रकार साथियों के साथ मिलके एक गेट टुगेदर की जाए, आपस में एक दूसरे से जो है ना जानकारी हो और आप लोगों को भी पता लगे और हमें भी जो है ना कौन कौन पत्रकार बंधु काम कर रहे हैं। और सिर्फ जो है मेन मकसद सिर्फ आप लोगों से एक जानकारी करने का था। तो जब जानकारी के लिए कोई बैठक होती है तो वो पत्रकार वार्ता स्वाभाविक है, हो जाती है। और आज हमारा आम आदमी पार्टी का जो हरियाणा में जो है एक बहुत जन समर्थन के लिए बहुत बड़ा मिशन चलाया हुआ है, विलेज प्रोफाइलिंग प्रोजेक्ट, जिसके तहत आम आदमी के कार्यकर्ता हर घर घर में जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हर घर घर के लिए जो है ना सारा सब कुछ हर घर में। ये हमारा एक टारगेट है कि वह आम आदमी पार्टी हर गांव में, हर घर में उसके कार्यकर्ता एक अपनी पहुंच बनाए, ताकि गांव का जो है एक संगठन खड़ा हो। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री, हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल जी की ये नीति है कि वह पूरे देश, पूरे प्रदेश में बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की जो है ना एक मॉडल के रूप में खड़ा किया जाए, खास करके हरियाणा को, क्योंकि केजरीवाल जी हरियाणा से जुड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि भाई हरियाणा जो है इस शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, बहुत पिछड़ा हुआ है, और हरियाणा को एक मॉडल स्टेट बनाया जा सकता है। हरियाणा के पास बहुत संसाधन हैं, बहुत रिसोर्सेज हैं, लेकिन हरियाणा की सरकारें कोई काम नहीं कर रही हैं। और निश्चित तौर पे जहाँ भी शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर बेहतर काम होगा, वहाँ का समाज बेहतर तरक्की करेगा और तरक्की के नए द्वार खुलते हैं। और जनता को बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, क्योंकि अभी जो है बीजेपी की सरकार का अगर आप देखोगे तो बीजेपी की सरकार की सिर्फ और सिर्फ एक ही नीति रहती है कि पूंजीवादियों को बढ़ावा देना, आम जनता के लिए परेशानी पैदा करना और पूंजीवाद को बढ़ावा देना। आज अगर आप देखेंगे कि भाई कानून व्यवस्था का क्या हाल है प्रदेश में, एक DSP रैंक के अधिकारी को जो खनन माफिया हैं उनके द्वारा कुचल के मार दिया गया। और क्या ऐसा कोई खनन का कार्य है जो बिना माफिया और सरकार की मिलीभगत के चल सकता है? कभी भी नहीं चल सकता। बेरोजगारी में आज हरियाणा नंबर 1 पहुंच चुका है, और बेरोजगारी जो है, लोग जो है अपने सारे रास्ते रोजगार, जो लोग छोटे छोटे रोजगार भी करना चाह रहे हैं, महंगाई के कारण क्या हो रहा है, उनके सारे रोजगार बंद होते जा रहे हैं। देश की महंगाई क्यों बढ़ रही है? ज़्यादातर महंगाई आज अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, और ये जो आर्थिक असमानता है इसके कारण जो है सारे रोजगार के साधन बंद होते जा रहे हैं। देश को भारी भरकम कर्ज 620.7 बिलियन $ का हिंदुस्तान के ऊपर आज कर्ज है, और ये मैं नहीं, ये RBI की रिपोर्ट है जो हाल जून में RBI ने जारी की है, मैं आपको कॉपी दूंगा उसकी। $620 बिलियन मेरी ख्याल से जो है ना कैलकुलेट करके देख लेना, शायद 50 लाख करोड़ के आसपास कर्ज बनेगा, और उस कर्ज को वो इंटरनेशनल $ में कर्ज लिया हुआ है, उसको चुकाने के लिए जब डॉलर इकट्ठा करना पड़ सकता है या डॉलर इकट्ठा करते हैं तो वो डॉलर की कीमत कहाँ जा रही है, आज रुपया गिरता जा रहा है, डॉलर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण सारे रोजगार के सारे संसाधन जो है हिंदुस्तान से ख़त्म होके हो रहे हैं। और दूसरा, बीजेपी क्या कर रही है, हर सारे देश को जाति और धर्म के आधार पे बांटा जा रहा है, और जाति और धर्म के आधार पे बंटने से देश का आपसी भाईचारा ख़त्म होके कानून व्यवस्था की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। और आज पूरा हरियाणा आप देखोगे, पूरा हरियाणा जलमग्न है।
हम जिस भी एरिया से गुजरते हैं सारा एरिया जलमग्न, पूरा हरियाणा, गांव जो है, खेत, गांव, सब कुछ पानी से भरे हुए हैं और पानी की निकासी का बिल्कुल भी कोई प्रबंध नहीं किया हुआ, कहीं पे भी कोई प्रबंध नहीं किया जा रहा। सब लोग, किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, सब लोग बेचारे इधर उधर दौड़ धूप कर रहे हैं और सारी जनता जो है आज इस बीजेपी के कुशासन से दुखी है। अब किसानों के खातों से आपको मालूम होना चाहिए कि जिनके किसान क्रेडिट कार्ड बने हुए हैं, फसलों के लिए इंश्योरेंस का पैसा उनके खातों से अपने आप काट लिया जाता है, वो किसकी जेब में जाता है? जो इंश्योरेंस कंपनियां चलाते हैं बड़े बड़े। और लेकिन किसान के लिए क्या हो रहा है कि भाई वो सरकारी मुआवजे के लिए इधर उधर दौड़ भाग कर रहे हैं। आज आप देखोगे प्रदेश में कांग्रेस की क्या हालत है। कांग्रेस आज अपनी गुटबाजी के कारण बिल्कुल जनाधार उसका ख़त्म होता जा रहा है। उसके बड़े बड़े नेता अपनी पार्टी छोड़ के इधर उधर दौड़ भाग कर रहे हैं। अगर सही मायने में अगर हम ये कहेंगे कि भाई कांग्रेस पार्टी आज हरियाणा में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जो कांग्रेस पार्टी थी, अब सिर्फ हुड्डा का अपना एक गुट चल रहा है जिसमें अगर वो कोई चिंतन शिविर करते हैं तो उसके कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता नहीं पहुँचते, और अगर कोई ऐसी कांग्रेस की सभा होती है तो बड़े बड़े नेता क्या उसके प्रभारी तक को उसकी सूचना नहीं दी जाती या वो आते नहीं, उनके ऊपर भी क्वेश्चन किए जाते हैं। और आज कांग्रेस पार्टी का हिसार जिले से जुड़े हुए कद्दावर नेता अभी कुलदीप बिश्नोई जी बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, और बीजेपी भी दूसरी पार्टियों के नेताओं का क्या करती है, सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करती है। जब उनका मतलब निकल जाएगा, पहले भी कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी इस्तेमाल कर चुकी है और अब फिर उनका बीजेपी से दोबारा जो है वो अपना रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं बचा हुआ है और सारे उनके अपने नेता इधर उधर पार्टी छोड़कर इधर उधर जाने की ताक में है। इसलिए अब हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ जनता के सामने आम आदमी पार्टी ही एकमात्र विकल्प बचा हुआ है, और आने वाले 2024 के चुनाव में निश्चित तौर पर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। दूसरा एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है कि वे आप लोग भी और हम लोग भी, हमारा मुख्य उद्देश्य है जो जनहित से जुड़ी बातें हैं या जनता से, जनता के कल्याण के जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उनको हम एक मंच पे संगठित करें। और आम आदमी पार्टी की सरकार देश प्रदेश में क्यों ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे से जो है आर्थिक प्रबंधन के साथ दिल्ली सरकार ने आम जनता को मुफ्त में ही शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, पानी, सब कुछ सुविधाएं मुफ्त करके करीब 300 के करीब जो सरकारी महकमे थे जिनके अंदर लोग जो है ना छोटे छोटे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए भी सरकारी कार्यालयों में चक्कर लगाते थे, और वहाँ जाके बाबू जो है दो गलती निकाल देता था, फिर वो दलाल के पास जाते थे और दलाल जो है सरकारी कार्यालयों के सारे काम दलालों के माध्यम से होते थे। लेकिन दिल्ली सरकार ने क्या किया, जैसे हम ऑनलाइन कोई सामान मंगवाते हैं या जैसे खाने के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, ऐसे सरकारी सेवाओं को ऐसे ऑनलाइन कर दिया और जो कि घर बैठे मुहैया करवाई जाती है, उनको कहीं नहीं जाना, कोई कमी है तो सरकार का आदमी ही वहाँ उस कमी को पूरा करवाने उसके घर आएगा, ये नहीं है कि उसको कहीं चक्कर काटना है। इसका क्या परिणाम हुआ कि पूरी दिल्ली के अंदर सरकारी दफ्तरों से भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म हो गया और आम जनता ये सारी सेवाएं को करीब करीब 300 से ज़्यादा सारे महकमों की जो ज़रूरी सेवाएं थी वो घर बैठे मुहैया जनता को हो रही हैं। इससे जनता को बिल्कुल पूरी तरह सरकारी कार्यालयों में जाने से और दलालों के पास चक्कर काटने से पूरी तरह निजात मिल चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक बहुत बड़े क्रांतिकारी राजनीतिक सोच की शुरुआत की है इस देश की। अगर आप ये कहेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन किया, उस आंदोलन से आम आदमी पार्टी निकली और उस आंदोलन से निकली हुई पार्टी ने जनहित में काम किए और देश के सामने एक बहुत बड़ा राजनीतिक विजन रखा कि वह नेता आउट और आम आदमी इन, और उसका परिणाम आप सब लोगों ने चुनाव के परिणाम के रूप में पंजाब में देखने को मिला। बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हुए हैं,
जिनका कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये आदमी भी अब कभी चुनाव हार सकते हैं, वो लोग चुनाव हारे हैं। और अभी जो है इसी विजन की शुरुआत हरियाणा में भी हो चुकी है। आम आदमी के कार्यकर्ता अब घर घर जाकर अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों का प्रचार कर रहे हैं और निश्चित तौर पे आने वाले 2024 के चुनाव में प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी और प्रदेश के बाद 2024 में हो सकता है लोकसभा चुनाव में केंद्र में भी आम आदमी की पार्टी की सरकार हो और हरियाणा के लाल केजरीवाल को हम भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखें। आदमपुर में ये माना जा रहा है कि उपचुनाव हो सकता है, तो आपकी पार्टी क्या स्टैंड रहेगा? पार्टी चुनाव में भाग लेगी और पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ेगी। पार्टी का काम है चुनाव लड़ना। पंचायत के चुनाव भी होंगे तो सिंपल से ये माना जाएगा कि आपका जो चुनाव का नतीजे आएंगे। चुनाव के नतीजे बताएंगे और आम आदमी पार्टी जो है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई को खुद आदमपुर में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आने वाली हैं। उधर उनके प्रतिद्वंदी जो बीजेपी में ही सोनाली फोगाट हैं, वो सबके सामने कह रही हैं विधायक तो मैं ही बनूंगी। उनको कुलदीप बिश्नोई को खुद बीजेपी से ही बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां मिलेंगी। और आम आदमी पार्टी जो है ना पंचायत चुनाव में हरियाणा में सिंबल पे चुनाव लड़ने का विचार किया है और उसके लिए जो है ना बहुत जल्द प्रत्याशियों की घोषणा शुरू हो जाएगी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।